नमस्कार जी, मैं संध्या। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे गार्डन में इस तरीके के मैरीगोल्ड भी खूब अच्छे से चल रहे हैं और ब्लूम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है किसी फैमिली फंक्शन में। तो क्या है कि सर्दियों में इतने प्लांट हो ही जाते हैं कि हमको ग्रो बैग में लगाना पड़ता है। मैंने आप लोगों को कई ग्रो बैग में प्लांट दिखाए भी हैं लगाए हुए। तो प्लांट जो ये बड़े प्लांटर में प्लांट लगे हुए हैं उनका तो मुझे कोई दिक्कत मतलब वो नहीं है, टेंशन नहीं है कि मतलब वो बचेंगे कि रहेंगे, क्योंकि मैं जाऊंगी तो पानी डाल जाऊंगी और भतीजे को बोल रखा है तो वो एक एक दिन के गैप पे पानी डाल देगा। अगर नहीं भी डालेगा तो दो तीन दिन अगर ऐसे भी रह जाएंगे तो इतनी नमी इसमें प्लांटर में अभी रह रही है कि प्लांट ख़राब नहीं होंगे। तो वैसे तो वो डाल ही देगा, लेकिन ग्रो बैग की मुझे ज़्यादा चिंता है। तो ग्रो बैग में जो लगे हुए फूल हैं या प्लांट हैं तो उनको मैं कैसे सेव करूँगी, वही आज आप लोगों से मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ कि कैसे मैंने उनको मतलब बचाने की कोशिश की है। अब जैसे ये देखिए, ये छोटे से इसमें प्लास्टिक के इसमें डब्बे में ये लगा हुआ है। वो ये देखिए, ये प्लांट और ये है पेपर फ्लावर का वो फूल, इसमें बर्ड भी आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे छोड़ जाऊंगी, एक दो दिन का गैप हुआ तो ये मुरझा सा जा रहा है, पानी नहीं मिलेगा तो मुरझा सा जाएगा। तो मैंने इसमें इसको डाल दिया है, ये प्लांटर जो है खाली है, तो इसमें पानी डलेगा तो नमी इसमें भी बनी रहेगी, या इसमें भी पानी डाल दिया तो नमी इसमें बनी रहेगी। तो जिसकी वजह से मेरा प्लांट जो है अगर एक दो दिन पानी नहीं भी मिला तो ये चलता रहेगा ईजिली। तो अगर जिसको मैंने बोला है वो पानी अगर गैप करके भी दो दो दिन का डालेंगे तो भी प्लांट मेरा बचा रहेगा। तो ठीक इसी तरह मैंने और भी कुछ ग्रो बैग हैं जो मैंने सेव किए हैं, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये भी पेपर फ्लावर का है, तो इसको भी मैंने इस गमले में डाल दिया है। और ये है, ये मैंने प्लांट जो है प्रून कर रखा है, तो इसके नीचे अभी जगह खाली है, अभी इसकी पत्तियाँ वगैरह कुछ निकली नहीं है। ये एक जूरा का प्लांट है तो इसमें जगह खाली है, तो इस ग्रो बैग को मैंने इसमें डाल दिया है ताकि इसमें पानी पड़ेगा, चाहे इसमें पानी पड़ेगा तो ये जो है इसको नमी आराम से मिलते रहेगा। और ये शेड में थोड़ा है भी, इस पर छनी छनी सी धूप इस पर आती रहेगी, तो इस वजह से मेरा ये प्लांट जो है बच सकता है। और भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए, इसको भी मैंने इस जगह पर सेव कर रखा है, इसको भी यहाँ पर मैंने सेव कर दिया है। इसको इसमें दो रखे हुए हैं, ये देखिए, इसको तो गिलहरियों ने खा ही लिया था ये इस प्लांट को, तो ये जो है अभी तो फिर से ये ग्रो कर रहा है तो इसमें जगह खाली है, तो दो मैंने इसमें डाल रखा। तो इस तरीके से डाल के जो है सेव किया जा सकता है, इसमें पानी पड़े चाहे इसमें पानी डले, नमी दोनों में बने रहेगा। ये देखिए, तो इस तरीके से ये प्लांट जो है चल रहा है और अच्छे से खिल भी रहा है। ये देखिए, तो नमी इसमें बनी रहेगी, अगर एक दो दिन की गैप में भी पानी मिला तो भी ये ज़िंदा रहेगा, प्लांट मरेगा नहीं। अभी नेस्ट्रीसियम के प्लांट को देखिए, इसको भी इस ग्रो बैग में ये लगा हुआ है और ये रोज़ प्लांट के मैंने पॉट में इसको डाल दिया है। ये भी देखिए, ये नींबू के प्लांट में, ये देखिए इतना बड़ा मैंने ग्रो बैग साइड में रख दिया है तो इसको नमी मिलता रहेगा। तो ये भी पेपर फ्लावर का ही फूल है, ये देखिए कितना खूबसूरत मतलब इसकी बढ़ाई हुई है, तो ये अच्छे से इसमें चलता रहेगा। ऐसे ही समी का ये प्लांट है, इसके प्रूनिंग वगैरह दे कर दिया है, खाद वगैरह भी डाल दिया, तो ये भी इसमें भी मैंने एक प्लांट ऐसे ग्रो बैग में लगा हुआ इसमें सुरक्षित कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं निश्चिंत हो के जहाँ मुझे जाना है एक हफ्ते के लिए, मैं चली जाऊँगी और ये मेरे प्लांट भी ख़राब नहीं होंगे, ना मरेंगे, ये ज़िंदा रहेंगे और ईजिली चलते रहेंगे। बाकी मेरे गार्डन में कुछ फ्लावर इस तरीके से ब्लूम कर रहे हैं, ये देखिए खूब ब्लूम कर रहे हैं। तो पिटूनिया में एक नया कलर निकल के आया हुआ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और हाँ, ये नेस्ट्रीसियम के बीज जो है पानी डाल रही थी तो मुझे गमले में गिरे हुए मिले, तो इसको मैं यहीं पर रख के भूल गई हूँ। अब इसको मैं नीचे ले जा रही हूँ और ड्राई करके इसको मैं सेव कर लूँगी। बाकी ये देखिए, ये पिटूनिया के कितना अच्छा कलर, पर्पल कलर निकल के आया हुआ है मेरे गार्डन में, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और एक ये प्लांट देखिए, इसका तो मैं नाम भूल गई, तो इसमें भी देखिए बंच में भी इसकी बर्ड आई हुई हैं और कुछ इस तरीके से इसमें फ्लावर आ रहे हैं, ये देखिए। बाकी स्ट्रॉबेरी का प्लांट देखिए कितना हेल्दी है और इसमें कितनी ये देखिए फ्लावर बन रहे हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा, और इसमें देखिए फ्रूट भी बनने लगा है, ये देखिए, और भी इधर भी है और इसके अंदर में भी बहुत बड बन रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है सारे मेरे प्लांट जो है ठीक ठाक से चल रहे हैं और ब्लूम भी कर रहे हैं, ये देखिए। और इधर देखिए कितना खिल रहा है, ये हिबिस्कस का प्लांट देखिए कितना बड़ा हुआ है और कितना ये खिल रहा है, प्लांटर में भी अच्छा खिल रहा है। बाकी ये वाइट कलर का पिटूनिया देखिए कितना
खिल रहा है, ये भी, ये सब खिल रहे हैं। इधर देखिए पूरा बहुत अच्छा खिल रहा है, ये देखिए, ये देखिए डहेलिया का, और इधर भी ये खिलने लगा है। ये देखिए सिंड्रेरिया में कितना अच्छा फूल आया है, पूरा बंच में पूरा भर के आया है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। इधर भी बाकी पेंजी में देखिए कितना खूबसूरत ये कलर आया है निकल के, ये बाकी ये देखिए इम्पेशंस में ये भी खूब अच्छा ब्लूम कर रहा है। और इधर तो क्या ही कहने, अक्सर मैं दिखाया करती हूँ आप लोगों को, ये कितना अच्छा खिल रहा है, ये देखिए एक गुलदस्ते की तरह। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की मैं ये छोटी सी वीडियो आप यहीं पे एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो इसी तरह अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखिए, ग्रीन बनाइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।